हेलो बच्चों, लेट्स सी डॉट क्वेश्चंस. क्वेश्चन सीन. रोहिणी सैटेलाइट इज एट हाइट ऑफ 500 किलोमीटर्स एंड इनसैट बी इज एट हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. देन द रिलेशन बिटवीन देयर ऑर्बिटल वेलोसिटीज वी आर एंड वी वन इज. पर हमारे पास दो सैटेलाइट्स दे रखे हैं, एक रोहिणी सैटेलाइट है एंड दूसरा इनसैट बी सैटेलाइट है. अब रोहिणी सैटेलाइट के लिए जो हाइट है एच आर, दिस वी हैव बीन गिवन 500 किलोमीटर. एंड फॉर इनसैट सैटेलाइट है एच आर इज इक्वल टू 3600 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. सो वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी. चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ पर हम सिंपली ऑर्बिटल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि ऐसी वेलोसिटी जिसके द्वारा ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड में एक ऑर्बिट में इन कांस्टेंट रोटेशनल मैनर क्या करने लगता है, मूव करने लग जाता है. इसको हम लिख देंगे वी ओ इज इक्वल टू अंडर रूट में जी इंटू एम डिवाइडेड बाय आर, जहाँ पर जी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, एम मास ऑफ द बॉडी या फिर प्लैनेट बोल सकते हैं, आर विल बी द डिस्टेंस और द रेडियस. यहाँ पर कैपिटल एम एज पर द गिवन सिचुएशन विल बी द मास ऑफ अर्थ. सो सिंस वी कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला इटसेल्फ कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, कैपिटल जी कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ वो भी कांस्टेंट रहेगा, सो डेफिनेटली इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ आर. सो जिसके लिए जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसके लिए उतना ही कम उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिल रहा है. तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एच ऑफ आर इज 500 किलोमीटर्स. ओके, एच ऑफ आर इज 500 किलोमीटर. वहीं पर एच ऑफ आई इज 3600 किलोमीटर. तो यहाँ पर जो आर ऑफ आर होगा जो कि बेसिकली किसके इक्वल होता है, आर प्लस एच के. तो ये सिंपली आर प्लस एच ऑफ आर की बोलूंगा. डेफिनेटली ये जो वैल्यू है ये लेस देन हो जाएंगी इन कंपैरिजन टू द आर ऑफ आर. और चूंकि आर ऑफ आर यहाँ पर ग्रेटर हो रहा है सो उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी भी लेस हो जाएंगी. एंड रोहिणी के लिए जो हाइट है वो लेस हो रही है, दैट मीन्स तो उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी फिर क्या हो जाएंगी, ग्रेटर हो जाएगी. तो वी कैन क्लियरली गेट टू नो दैट के द ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर द रोहिणी बिकम्स ग्रेटर दैन द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इनसैट बी. एंड दिस इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज पर द गिवन ऑप्शन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. विल बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.